Hi everyone. First of all, thank you for giving so much of love to my previous video with my sister. I think it was extremely overwhelming. A lot of you had messaged me and you wanted me to make a detailed video on banking preparation, YouTube sources, books recommendation, and time management. But the most asked question was how to prepare for the English subject and how to clear the cutoff. See, when it comes to English, three things are going to help you majorly in exams. First is reading. Whatever you are reading, please try to read it thoroughly. Be it a newspaper, a magazine, or anything that you read on any social media platform, please read it thoroughly. क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़ते हैं एंड देन वी मूव ऑन. बट दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन एग्जाम बिकॉज हमें वहाँ पे ए स्पीड तो चाहिए बट साथ में एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पैसेज का टोन सेंस करना इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको रीडिंग ही हेल्प कर सकता है. नंबर टू इज लिसनिंग. व्हाटएवर यू आर लिसनिंग ऑन एनी ओटीटी प्लेटफॉर्म, कोशिश करिए उसे इंग्लिश में सुनिए. अपने माइंड में सेंटेंस फॉर्म करिए और देखिए कि सबटाइटल से वो किस तरह वेरी कर रहा है. ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. एंड नंबर थ्री इज सिंपली स्पीकिंग. प्लीज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर एटलीस्ट 5 or 10 minutes डेली. आई एम नॉट सेइंग 15-20 minutes आप बात कीजिए. एंड हाँ, अगर आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, आप अपना फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए. ट्राई टू रिकॉर्ड योर सेल्फ, ट्राई टू हियर योर सेल्फ. इवेंचुअली आप रियलाइज करेंगे कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं. सो ये तीन चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प करेंगी. Thank you.